हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक कॉफ़ी का पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। वो बहुत ही इजी है और बहुत ही कम मटेरियल्स के को यूज़ करके ही हम उस पेंटिंग को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ मटेरियल्स को यूज़ कर रही हूँ। वो है, हमें चाहिए एक बोर्ड, एग्ज़ाम बोर्ड, उसके बाद हम एक पेंसिल, इरेज़र एंड एक पेपर क्लिप की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी कलर की तरफ, यानी हमें जो कॉफ़ी का कलर देना है तो उसके तरफ। तो वहाँ हमें सबसे पहले ज़रूरत होता है कॉफ़ी, या फिर आप उसे टी जो पाउडर होता है, टी लीव्स का जो पाउडर होता है, उसे भी ले सकते हो। और हमें हॉट वाटर चाहिए होगा, और हमें पेंटिंग ब्रश चाहिए होगा, स्केल। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके हम इस, मैंने जैसे कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग, तो मैंने धीरे धीरे इतना किया है और इसमें मुझे और भी डिटेलिंग्स ऐड करने हैं। यहाँ मैं उसके हेयर्स को दिखा रही हूँ। पेंसिल को हमेशा लाइट चलाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। तो इसी तरह हमें पूरे ड्राइंग को कर लेना है। तो मैंने इस तरह पूरे ड्राइंग को बना लिया है अपना। नेक्स्ट, अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें थोड़े अजीब टाइप के लग रहे हैं, उसे मुझे ठीक से बनाना है। जैसे कि ये कप का एज मुझे बनाना था, एंड मैं यहाँ पर थोड़े से इसे गर्म दिखाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ये प्लेट थोड़ा अजीब टाइप का बना है, सर जस्ट लाइक टू। इस प्लेट को थोड़ा बड़ा बनाना होगा। हम इसे ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक बिल है और ये एक फ्लावर वास है, और यहाँ मेरे फिंगर्स भी थोड़े अजीब हुए हैं, तो उसे भी मुझे करेक्ट करना होगा। जैसे मैंने अपने पूरे आर्ट पीस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कॉफ़ी को लेकर अपने कलरिंग पार्ट जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत थी पेंसिल एंड इरेज़र, स्केल कहीं कहीं जगह पर। इसके बाद मैं चीज़ जो हमेशा करती हूँ अपने ड्राइंग्स में, मैं ब्लैक पेन से इसके पूरे बॉर्डर्स को कर देती हूँ, ताकि वो उसे हम करने के लिए ईजी हो वो हमारे लिए। तो मैं अभी भी वही करूँगी। तो मैं पहले इसके एक ड्रेस से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप देख सकते हो कि मैंने अपना आर्ट पीस को पूरी तरह से स्केचिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं इसे कॉफ़ी कलरिंग स्टार्ट कर लूँगी। आप जैसे देख रहे हैं कि इसी तरह हमें अपने पूरे आर्ट पीस को कंप्लीट करना है, और अब मुझे सिर्फ बैकग्राउंड को देना है। मैंने ये पूरा बॉडी कंप्लीट कर ही लिया है, और इस तरह हमें अपने आर्ट पीस के बैकग्राउंड को मैं बहुत ही लाइट रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये जो बॉडी है वो थोड़ा डार्क हो और यहाँ इसे दिख सके हमें। मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और वाटर ऐड करूँगी इसमें। इसके बाद हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैंने अपना ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो हमने जैसे कॉफ़ी से कलर किया, उसके बाद मैंने सिर्फ ब्लैक पेन से थोड़ा स्केच कर दिया है। इसके आईज़ को थोड़ा दिया है बॉर्डर, एंड इसके हेड में थोड़ा सा ब्लैक कलर से कर दिया है। वाटर कलर यूज़ कर सकते हो या फिर पेस्टल कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। और दिस इज़ हाउ माई फाइनल आर्ट पीस लुक्स लाइक।
इसके बैकग्राउंड में भी कॉफ़ी का कलर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।